हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोनिका मेकओवर गैलरी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये है मेरी लॉबी और ये मेरा दरवाज़ा है और इस साइड मेरा किचन है। और ये जो लॉबी है, इसी का मैं मेकओवर करने जा रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये लॉबी में किसी भी तरह का टाइल्स या शीट नहीं बिछा हुआ है। और इसकी जो देखिए मेकओवर करने का मेन कारण जो मेरा ये फ्लोर है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, ख़राब हो चुका है। आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए नज़दीक से, मतलब इसके जो ये रेड कलर का पहले था और पूरे ये सब उखड़ गया है, गिट्टी हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं किस तरह से इस लॉबी का मेकओवर करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ मेकओवर करने से पहले जो फर्श है उसका भी मेकओवर बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, इस वीडियो में बने रहिएगा कि किस तरह से मैं इस फ्लोर को करने वाली हूँ इसका मेकओवर, और किस तरह से इस लॉबी को मैं डेकोर करना चाहती हूँ। इस समय आपको दिख रहा होगा इस ये लॉबी बिल्कुल तरह से खाली है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए मेकओवर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है पीवीसी शीट और इस शीट को मैंने अपने किचन मेकओवर में, जब मैंने किचन का मेकओवर किया था तो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें भी मैंने लगाया है अपने किचन में रैक पर। तो ये शीट आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो किचन के रैक पे लगाइए या फ्लोर पे, बहुत ही ड्यूरेबल शीट है। और इस समय आप ये देख रहे होंगे, ये थोड़ा मोज़ेक के उसमें मैंने बेस में लिया है, मोज़ेक बेस में, क्योंकि मेरे कमरे में जो जो शीट बिछी है वो भी पीवीसी शीट है और वो भी इस तरह के मार्बल उस पैटर्न में था, इसलिए मैंने इसको लिया है। और ये आप देख रहे हैं कि बहुत ड्यूरेबल होता है, काफ़ी मोटा थिक है और इसको ये मतलब कि मैट फिनिश है ये। और ये देखिए, मैंने पूरी इस तरह से जो मेरा लॉबी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने इसको काट के जितना मुझे जहाँ तक बिछाना है वहाँ तक मैंने इसको इस तरह से देखिए सेट कर लिया है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करें, फ्लोर को क्लीन कर लीजिए, अच्छे से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए और जितना आपका जगह एरिया है उस एरिया के अकॉर्डिंग उसको काट लीजिए और इसको बिछा लीजिए। और अब इसको बिछाने के बाद पूरी तरह से जब एडजस्ट हो गया है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन लगा के चिपकाना शुरू करेंगे। इसके लिए आपको कोई भी ऐसे कारीगर की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको चिपकाने, क्योंकि वो लोग फिर एक्स्ट्रा पैसे जो लेंगे, लेकिन आप अपने आप से भी इसको चिपका सकते हैं। जब मैंने किचन का मॉड्यूलर वीडियो बनाया था ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें कई लोगों ने पूछा कि मैडम आपने ये कैसे चिपकाया है, ये कैसे चिपकाया जाता है। तो मैं इसी के बेस पर ये वीडियो लेके आई हूँ कि ये शीट आप देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि काफ़ी थिक है। इसकी कई क्वालिटी अवेलेबल है फ्रेंड्स। और अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो आप इस पीवीसी शीट को अमीनाबाद से परचेज कर सकते हैं। मैंने वहाँ से, क्योंकि वो थोक का मार्केट है और आपको एक अच्छे रेट पे ये रिसीव हो जाएगा। अगर आप लोकल मार्केट से लेंगे तो ये आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से 35 रुपीज़, 25 रुपीज़ के हिसाब से बताएंगे, लेकिन अगर आप अमीनाबाद या थोक मार्केट से ले रहे हैं तो वहाँ पे इसी का दाम ये 12 रुपये, और 10 रुपये तक में आपको ये, 9 रुपये तक भी आपको अवेलेबल करा देंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छे ये उसमें मिल गया बजट में, तो जिसका मैं यूज़ करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और ये इजीली आपका कट जाता है, आप इसको ब्लेड से या सीजर से काट सकते हैं और अपने घर के फ्लोरिंग को एक नया लुक दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसको हम कैसे चिपका रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है बॉन्ड प्लस का एडहेसिव, इसी से मैं इसका जो शीट है, पीवीसी जो फ्लोर मैट है, वो चिपकाऊंगी। तो ये आपका 500 ml में आता है।
फ्रेंड्स ये है मेरा न्यू शू रैक और इसको मैंने परचेस किया है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कहाँ से मैंने परचेस किया। ये मैंने ऑफलाइन परचेस किया है और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये ब्राउन और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, मतलब कि इसका अपर पार्ट पार्ट जो है ब्राउन और प्लाईवुड से ये बना हुआ है, तो इसका ब्राउन इसमें मैट फिनिश दिया हुआ है और नीचे का जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो आपका मॉड्यूलर होता है इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल मॉड्यूलर इसका दिया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत ये शू रैक है। और इसमें आपके तीन कंपार्टमेंट बने हुए हैं, एक तो ये अपर शेल्फ है, यहाँ का एक ये ड्रॉर है और प्लस ये दो दोनों ड्रॉर ऐसे ओपन होते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन सारे ड्रॉर में दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपना, अपनी डॉटर का और हस्बैंड का कैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया है। तो इस फ्रेंड्स इन ड्रॉर में जो आप देख रहे हैं इसमें चार शेल्फ बनी हुई है, तो सबसे ऊपर वाले शेल्फ में मैंने जो है इनके सारे शूज जो कि आपका नॉर्मल जो जीन्स वींस पे वियर करते हैं वो रखा है। नीचे साइड में मैंने जो कैजुअल है शूज उनको रखा है ब्राउन और ब्लैक कलर में, और नीचे जो है इनके फ्लोटर्स रखे हुए हैं और ये इस तरह के बॉक्स में मैंने इनके जो शू पॉलिश हो गया और प्लस ब्रश हो गया और एक साफ एक कपड़ा शूज पहुंचने के लिए मैंने इसको रखा हुआ है, तो इस तरह से मैं इसमें रख देती हूँ। इसमें फ्रेंड्स चार शेल्फ ये बने हुए हैं। पहले शेल्फ में मैंने अपने डॉटर के जितने भी शूज हैं उसको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, उसके जितने भी स्लीव सब पार्टी वेयर शूज है सब। नीचे साइड में मैंने सारे तीनों शेल्फ में मैंने अपना रखा हुआ है, इस तरह का मैं शूज ऑर्गेनाइजर खरीद के रखा हुआ है। इससे पहले वाले भी शूज ऑर्गेनाइजर वीडियो में आपने देखा होगा, तो ये क्या है इसको लगाने से बहुत कम ज्यादा से ज्यादा जोड़ियां शूज हम लोग रख सकते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर का अगर हम लोग यूज करते हैं। नीचे कुछ मैंने जो भी अपने बूट है उनको रखा हुआ है, तो आप देखिए इस तरह से मैंने ब्यूटीफुली इसको ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे मैंने इस तरह से ये इसका मटेरियल देख सकते हैं आप किस तरह का मटेरियल है इसका, प्लाईवुड मटेरियल है पूरा, और इसमें मैंने ये थोड़ा सा सुंदर डेकोरेट बनाने के लिए इसमें मैंने ये बिछाया हुआ है डेकोरेटिव पेपर्स जो होते हैं। फ्रेंड्स ये ऊपर वाले ड्रॉर में मैंने कुछ ऐसे एसेसरीज ये करके रखी है और स्पेशली जो मेरे हस्बैंड है उनके लिए मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के मैंने ऑर्गेनाइजर का यूज किया है। ये सॉक्स के ऑर्गेनाइजर आते हैं तो इसमें मैंने उनके सारे सॉक्स को ऑर्गेनाइज करके रखा है और ताकि उनको जब जरूरत हो तो यहाँ से ही आप वो निकाल लें। ये वाले में मैंने सारे उनकी जो हैंकियां हैं वो सब मैंने ऑर्गेनाइज किया है। दूसरे ऑर्गेनाइजर में मैंने सारे वॉचेस अपने और उनके दोनों वॉचेस को ऑर्गेनाइज किया है। इसमें कुछ मैंने कार की और बाइक की उनका वॉलेट कॉम ये सब रखा हुआ है। इस साइड में अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने एक पॉकेट डायरी रखी हुई है कुछ भी नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग को कभी जरूरत होती है तो हम लोग ढूंढते हैं, और यहाँ पे ये मैंने ड्राई टिश्यू रखा हुआ है इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे जबकि बरसात आता है, इस तरफ मैंने यहाँ पे रेनकोट रखा हुआ है और अम्ब्रेला रखा है, ये है मेरे गॉगल्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने इमरजेंसी टॉर्च रखा हुआ है जब भी हमें ज़रूरत हो, क्योंकि ये आपका लॉबी में मैंने ये लगा के रखे हैं सारा एंट्रेंस में है, तो ये सब चीज़ें चार्ज करने के लिए पोर्ट जो है टॉर्च को। और यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ये हैमर है जो कि मेरा काफ़ी अच्छा काम करता है हैमर, इसमें बहुत सी एक साथ ढेर सारी चीज़ें तो उसके लिए भी मुझे ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैंने यहीं पर ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है कि जब भी जिसको ज़रूरत हो जल्दी से उनको मिल जाए। इधर आओ, अभी रुक जाओ, भी चले जाना वहां पे, आओ क्या खाओगी, अब क्या करूंगी।